ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में। हमने आपको बताया कि गैसों के लिए जब स्पेसिफिक हीट हम कंसीडर करते हैं तो स्पेसिफिक हीट को प्राप्त करने के लिए गैसों के लिए हमको या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर या वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखते तो हमने देखा कि गैस की जो स्पेसिफिक हीट है वो वेरिएट करती है जीरो से इन्फिनिटी, यानी यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो स्पेसिफिक हीट हम देखते हैं कि जीरो मिलती है, और जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक हीट हमको इन्फाइनाइट मिलती है। इसके आधार पर हमको ये क्लियर हो जाता है कि स्पेसिफिक हीट अगर हमको प्राप्त करना है तो हमको प्रेशर और वॉल्यूम में से किसी एक को कांस्टेंट रखना होगा गैसेस सिस्टम के लिए, क्लियरली गैसेस सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जब टेम्परेचर सॉलिड या लिक्विड को देंगे तो उनके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं होती है, वॉल्यूम उनका इंक्रीज नहीं करता है। और वॉल्यूम क्या होता है कि टेम्परेचर के कंपेरिजन में वॉल्यूम क्या होता है बहुत ही निग्लेक्जिबल होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। टेम्परेचर के कंपेरिजन में जो वॉल्यूम उनका अगर मान लीजिए हल्का फुल्का इंक्रीज भी करता है तो वो इन केस ऑफ कहने इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो वो क्या है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के कंपैरिजन में निग्लेक्जिबल होता है। इसलिए सॉलिड और लिक्विड के केस में हम ऐसा कंसीडर नहीं करते हैं। सॉलिड और लिक्विड के लिए डायरेक्टली हमने फार्मूला आपको बताया कि सी इक्वल टू होता है एम अपन सी इक्वल टू होता है क्यू अपन एम इनटू डेल्टी, वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड डेल्टी इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, इस प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट किसी भी बॉडी की निकाल सकते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बट इन केस ऑफ गैस के केस में हमने आपको बताया कि गैस के केस में अगर हमको स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो हमको या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब तक हम प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब तक हम स्पेसिफिक हीट गैसेस सिस्टम के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसके आधार पे हमने देखा कि गैसेस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक हीट हमने दो प्रकार की आपको बताई, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने आपको उसकी डेफिनेशन लिखाई कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1°C व्हेन प्रेशर केप्ट कांस्टेंट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाई सीपी, सीपी इज इक्वल टू यूनिट मास है इसलिए क्यू बाई हो जाएगा डेल्टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिमिलरली फॉर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने आपको डेफिनेशन लिखा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैस टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1°C व्हेन वॉल्यूम केप्ट कॉन्स्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड बाई सीवी। ठीक है, दैट इज सी वी इज इक्वल टू हमने आपको फार्मूला क्योंकि मास हमारा यूनिट मास हमने कंसीडर किया इसलिए क्यू सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई डेल्टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकली प्रॉब्लम होने उस वीडियो में बताया था कि हम स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक, यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 0.04 kg ऑफ एयर इज हीटेड From 0°C to 2°C, the specific heat of air at constant volume, दिया गया हमको 0.172 किलो कैलोरी पर केजी इन 2°C एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इच। क्या लिख लेंगे? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इच 0.172 किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमको यहाँ फाइंड करना है, वैल्यू को निकालना है। वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 0.04 केजी ऑफ एयर, यानी हमको यम जो मास ऑफ एयर है यहाँ क्या है, एयर है, एयर क्या है, एक प्रकार का गैस है। ठीक, तो मास ऑफ एयर हमको दिया गया है इज हीटेड फ्रॉम 0°C टू 2°C द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, और एयर का हमको स्पेसिफिक हीट भी दिया गया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी सीवी की वैल्यू हमको दी गई है इज 0.172 किलो कैलोरी पर केजी इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। हमको ज्ञात क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो इंटरनल एनर्जी हम प्राप्त कहां से करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सोल्यूशन में देखेंगे, सोल्यूशन हम यहां मानेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वेशन नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं 1। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू होगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और हम जानते हैं इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया कि ऑल द क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, जितनी भी क्वांटिटी डी क्यू भी डी यू और डी डब्ल्यू सब एक ही यूनिट में मेजर किए जाएंगे। अगर डी क्यू को हम किलो कैलोरी कंसीडर करेंगे तो इसको भी किलो कैलोरी, इसको भी हमको किलो कैलोरी में कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं नीचे, यहाँ हम क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे हियर गिवेन इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन या हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि यहाँ स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम हमको कंसीडर किया, इसके आधार पे भी कह सकते हैं हियर गिवेन इन क्वेश्चन द एयर इज हीटेड हीटेड फ्रॉम 0°C टू 2°C एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हम यहां लिख सकते हैं कि एयर इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक ना, गिवेन इन क्वेश्चन द एयर इज हीटेड फ्रॉम 0°C टू 2°C, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हेंस देयर इज Hence there is no external work done। इसके आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ कोई भी बाह्य कार्य नहीं होगा, क्यों, जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कंसिडर करेंगे तो वर्क डन नहीं होगा, यानी दैट इज करके लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डी वी के, और जब वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे एयर को हीट करेंगे, वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट पे एयर को जब हीट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो के, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो वैल्यू आ जाएगी। यहां से हम लिख सकते हैं लेट यम बी द मास ऑफ एयर, मास सी भी बी द स्पेसिफिक हीट हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर इज हीटेड, या हम कह सकते हैं लेट यम बी द मास, हमने यहाँ मान लिया लेट यम बी द मास सी भी बी द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी भी बी द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और या ऑफ एयर, एंड यहाँ मान लेते हैं डी टी इज राइज इन टेम्परेचर, डी टी इज राइज इन टेम्परेचर हम मान लेते हैं ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर when heat is taken in it, when the heat taken in by it, when the heat taken in by it, ठीक है, हमने मान लिया let m be the mass, c भी be the specific heat at constant volume of air, and dT is the rise in temperature of air, rise in temperature of air when the heat taken in by it, जब हम heat air consider करता है, heat take करता है, heat receive करता है, तो हमने मान लिया कि उसके temperature में increasing होती है dT की, air का mass m है और उसका specific heat c भी है, then formula के आधार पर that is करके हम लिख सकते हैं, that is हम मान लेते हैं कि if dQ amount of heat is taken by the air, then dq is equal to हो जाएगा m cv into dt, mcdt होता है, mcdt होता है dq amount of heat हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे, तो dq की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, m पे और dt पे डिपेंड करेगी, यानी dq is equal to dq proportional to m into dt, या dq is equal to mc, ये कांस्टेंट आएगा proportional to mcdt के बराबर हो जाएगा, या dq is equal to mc into dt, लेकिन एट कांस्टेंट वाले हमने कंसीडर किया इसलिए m cv dt कंसीडर कर लेते हैं। हमने माना लेट m बी द मास, cv बी द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड dt इज राइज इन टेंपरेचर ऑफ एयर व्हेन
द हीट टेकन इन बाई हीट, जब एयर के द्वारा हीट टेक किया जाता है, रिसीव किया जाता है, डीपी अमाउंट ऑफ हीट एयर रिसीव करता है, तो उसके टेम्परेचर में डीटी की इंक्रीजिंग होती है. तो देन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन हीट एंड स्पेसिफिक हीट, वी नो दैट डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी के, हियर द स्पेसिफिक हीट इज सी वी, देन वी कंसिडर दिस रिलेशन डी क्यू इक्वल टू एम सी वी इंटू डी टी के. ठीक है, यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर वन के आधार पे. dq is equal to, यहां से वैल्यू हमको मिल गई एम सी वी इंटू डी टी. अब यहां से देन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको इक्वेशन नंबर हम टू मानते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जब हम कंसीडर करेंगे, यहां लिखेंगे देन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हमको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो डी यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, सिंस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट इज करके लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू. हेंस From equation 2, we have du is equal to हो जाएगा dq, dq की वैल्यू है m cv into dt, here given that, here यहां वैल्यू दी गई है m, m की वैल्यू दी गई है 0.04 kg, cv की वैल्यू दी गई है, CV इज इक्वल टू दिया गया 0.172 किलो कैलोरी पर केजी इनटू डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, और DT की वैल्यू दी गई है 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 माइनस 0 करेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने आपको बताया है कि जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर लेते हैं तो वैल्यू को क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन की के वैल्यू को बराबर करते हैं. जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर हम केल्विन में इसको चेंज कर लें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होगी 273 केल्विन और 2 डिग्री सेंटीग्रेड 275 केल्विन. दोनों को घटाएंगे आपस में, डीटी इक्वल टू आ जाएगा 275 माइनस 273, यानी 2 डिग्री के 2 केल्विन का कंसीडर कर सकते हैं, या डिग्री सेंटीग्रेड में बताएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकली वैल्यू, यानी चेंज इन टेम्परेचर इन न्यूमेरिकली वैल्यू अगर कंसीडर करें तो चेंजिंग स्केल पे टेम्परेचर ताप परिवर्तन स्केल पे केल्विन स्केल डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल के बराबर होता है, यानी dT इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर जहां लेंगे वहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं या इसको 2 डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं. ठीक है, dT इज इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, या 2 डिग्री केल्विन भी आप कंसीडर कर सकते हैं. इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू हो जाएगा m, m यानी कि 0.04 इंटू cv 0.172 इंटू 2. ठीक, या इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.376. मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 4 से कर लेंगे, 4 से हम यहाँ करके दिखा देते हैं आपको, जैसे कर लीजिए 4 2 जा 8 4 7 जा 28 4 1 जा 4, यहाँ आ जाएगी वैल्यू 6, 4 1 जा 4, और वो 2 जो आपका बड़ा है उसको 6 हो जाएगा. ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 है तो 4 5, 0.00688 आ जाएगा, इनटू हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 16 2 8 16 1 17 2 6 12 and 1 13 हो जाएगा. ठीक है, 13 होगा तो 0. यहाँ कर सकते हैं आप 0.1376 है किलो कैलोरी कैलोरी. ठीक ना, डी यू इक्वल टू हो जाएगा 0.1376 किलो कैलोरी, 1376 किलो कैलोरी हो जाएगा. ठीक है, ये इस प्रकार से हम वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं. du इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1376 वैल्यू आ जाएगी, या आप इसको थोड़ा सा और भी
कर सकते हैं, अगर इसको हम इधर करें तो यहाँ से हम अगर कंसीडर करें 1.376 करना चाहें तो यहाँ देखिए 0 पॉइंट नहीं होगा, 0.01 होगा। तो यहाँ कह सकते हैं 1 पॉइंट, अगर हम इसमें 1000 का भाग करें तो ये 1000 से अगर हम कंसीडर करें तो वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 100 से कर सकते हैं, 1.0 हो जाएगा, 2 हो गया इधर, इधर 3 हो गया, 5, ठीक है ठीक है, 0.01376 किलो कैलोरी आएगा, या इसको हम बदल सकते हैं 1.376 × 10⁻²⁻² भी कर सकते हैं आप। यहाँ से 0.04 नहीं हमने लिया, 0.04 लिया है, तो 0.04 ठीक है, 0.004 है, लेकिन हमने यहाँ 0.04 कंसीडर किया, इसलिए 1 पॉइंट यहाँ अगर पॉइंट में ले जाएंगे 10⁻⁶ भी आएगा। तो इसकी वैल्यू को हम ऐसा भी बदल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, DU = हम कर सकते हैं 1.376 × 10⁻²⁻² किलो कैलोरी, ठीक ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक 10⁻²⁻ किलो कैलोरी ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, 1.376 × 10⁻²⁻ यानी 100 का से आप इसमें डिवाइड कर देंगे, 100 का भाग कर देंगे तो वैल्यू 1.376 आ जाएगी, 100 का ऊपर ले जाएंगे जब, यानी 100 का ऊपर गुणा करेंगे 100 का नीचे गुणा करेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा 1.376 हो जाएगा, और 100 का गुणा ऊपर जो नीचे रहेगा 100 का गुणा हो जाएगा तो 1.376 हो जाएगा, और 100 जो नीचे रहेगा ऊपर जाएगा 10⁻²⁻ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 0.04 केजी ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0°C to 2°C, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.172 किलो कैलोरी केजी, किलो कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है DQ = होता है DU + DW के। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कंसीडर किया गया है, यानी कि जो भी प्रोसेस यहाँ किया गया वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया गया है। तो हमने यहाँ लिखा हियर गिवन इन क्वेश्चन द एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया एयर को हीट करते हैं, हेंस देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन, तो यहाँ कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा। जब कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो हीट हम प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा ना कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीजिंग नहीं होगी तो DW की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, DW = होता है PdV, और वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, DV की वैल्यू 0 हो जाएगी, DW = हो जाएगा 0 के। लेट हमने मान लिया यहाँ से लेट m बी द मास, CV बी द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड DT इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर व्हेन द हीट टेकन इन बाई इट, यानी कि जब एयर के द्वारा हीट टेक किया जाता है, हीट रिसीव किया जाता है, तो यम द्रव हमने मान लिया कि यदि यम द्रव एयर का द्रव्यमान जो है यम, यदि एयर का मास जो है यम है, स्पेसिफिक हीट CV है, और उसके टेम्परेचर में DT की इंक्रीजिंग होती है जब वो DQ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है, तो इसके आधार पे हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं DQ = हो जाएगा mCV × DT के, और यहाँ से वैल्यू हमको, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि इसके बाद हम स्पेसिफिक हीट और हीट में रिलेशन हम जानते हैं, पीछे भी हमने आपको स्पेसिफिक हीट बताया पिछले वीडियो में, DQ = mCV dT होता है, तो एट कांस्टेंट वाली में हमने कंसीडर किया DQ = हो जाएगा mCV dT के। देन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं DU = DQ DQ = DU + DW होता है, या हमको इंटरनल एनर्जी चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU = DQ - DW के। सिंस DW = 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे DW की वैल्यू को हम 0 मानते हैं, हमने निकाल के आपको दिखाया है DW की वैल्यू 0 हो जाएगी, DU = हो जाएगा DQ के। हेंस फ्रॉम इक्वेशन टू के आधार पर हम लिख सकते हैं DU = DQ, DQ की वैल्यू होती है mCV dT के, mCV dT हमने यहाँ लिखा है। हियर m = दिया गया है 0.04 kg एंड CV = 0.172 किलो कैलोरी पर kg × °C एंड DT = 2°C, तो DU = हो जाएगा, m की वैल्यू रखेंगे 0.04 इंटू हो जाएगा CV की वैल्यू 0.172 इंटू हो जाएगा DT यानी 2°C, ठीक है। DU = हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0. यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वैल्यू आएगी 688
और 5 डिजिट पे हमारा पॉइंट लगा हुआ, तो 5 डिजिट यहाँ बना लेंगे, 0.00688 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे, वैल्यू आएगी 0.01376 किलो कैलोरी। या इसको और भी सूटेबल सिंपल वे में लिखने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू आ जाएगी 1.376 और 100 से डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा 10^-2 हो जाएगा किलो कैलोरी, यही हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी। इस प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट के आधार पे हम आसानी से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ से निकाल के दिखाया। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें उम्मीद है आप आसानी से इसको कर पाएंगे। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को पीछे करके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एकदम अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है, कहाँ से कैसे क्या किया गया वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। ये फार्मूला हमारा जो आया, हमने अभी पिछले वीडियो में आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया था, तो ये फार्मूला वहाँ पे हमने बताया था। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने आपको निकाल के दिखाई है जब इस पे एयर को हम हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, 0°C से 2°C तक उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, तो हमने आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाली 1.376 × 10^-2 किलो कैलोरी वैल्यू हमको मिली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम ऑफ एयर, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम ऑफ एयर। आगे कह रहा है कि 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0°C to 5°C एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाई एडिंग 150 कैलोरी ऑफ हीट, यानी 150 कैलोरी ऑफ हीट जब हम एयर को यानी कि इतनी हीट प्रोवाइड करते हैं तो एयर क्या होता है 0°C से 5°C तक हीट होता है, यानी उसका टेम्परेचर 0°C से 5°C तक इंक्रीज करता है। कितने मास का, 15 ग्राम एयर का, 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0°C to 5°C, यानी कि 15 ग्राम ऑफ एयर, एयर के 15 ग्राम एयर आपका क्या है, उसका टेम्परेचर 0°C से 5°C बढ़ता है, कब, जब हम एयर को 150 कैलोरी हीट प्रोवाइड करते हैं तब। ठीक, तो उस केस में हमको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम। तो सबसे पहले हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, फिर उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास हम निकालेंगे। पर यूनिट मास निकाल लेंगे तो जो मास की वैल्यू उसके से डिवाइड कर देंगे तो पर ग्राम हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं और जो हमारा एयर है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो किस कंडीशन में है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के कंडीशन में है। ठीक, तो कुछ प्रोसेस हमारे पिछले न्यूमेरिकल के इसमें लगेंगे, हम देखिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक्स भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम जानते हैं DQ = होता है DU + DW, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। हियर एयर, यहां एयर क्या है, एयर इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हियर एयर इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, हेंस DW = PdV = वैल्यू आ जाएगी 0, इंप्लाइज दैट DW = हो जाएगा 0 के 10, यहां से हो जाएगा 10, DQ = हो जाएगा DU के, इंप्लाइज दैट DU = कह सकते हैं आप DU = हो जाएगा DQ के, तो हम यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। तो DQ की वैल्यू यहां दी कितनी गई है, 150 कैलोरी हीट जब हम ऐड करते हैं इंप्लाइज दैट DU = हो जाएगा 150 कैलोरी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी 150 कैलोरी, तो क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको पर ग्राम निकालनी है, तो ये
15 ग्राम ऑफ एयर के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करेगा, 150 कैलोरी हीट हम एयर को प्रोवाइड करेंगे, एयर को हम हीट करेंगे 150 कैलोरी हीट से, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने ग्राम का, 15 ग्राम के एयर। तो पर यूनिट, यानी कि ये तो हो गया 15 ग्राम एयर के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी आएगी 150 कैलोरी के बराबर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बट द व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम, जब पर ग्राम निकालेंगे तो इसी को पर यूनिट मास हम कंसिडर करेंगे, तो नीचे लिखेंगे, दस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम इज गिवेन बाय, ऐसा लिख सकते हैं आप, therefore the change in internal energy per gram of air is given by, change in internal energy per gram करेंगे तो du by m होगा, यानी कि 15 ग्राम, ये हो जाएगा 150 by 15, du by 15 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 150 by 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 कैलोरी पर ग्राम, इम्प्लाइज दैट du by 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, यानी पर ग्राम के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास आप निकालेंगे डीयू बाई एम हो जाएगा, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 10 कैलोरी पर ग्राम, यानी प्रति ग्राम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो 10 कैलोरी से चेंज होगी, यानी कहने का मतलब 15 ग्राम के लिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंजिंग होगी वो 150 कैलोरी होगी। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार हम समझ लेते हैं उसके बाद फिर हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हमने आपको यहाँ करके दिखाया, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, केवल समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम ऑफ एयर, एयर के प्रति ग्राम के लिए इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंजिंग होगी ये हमको कंसीडर करना है। हमने यहाँ लिखा है 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 5 डिग्री सी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाई एडिंग 150 कैलोरी ऑफ हीट, यानी यदि हम 150 कैलोरी ऑफ हीट ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे इंक्रीज करता है 15 ग्राम एयर के लिए, तो पर ग्राम उसकी इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंजिंग होगी, तो सबसे पहले हम उसकी इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। जब इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल हम करेंगे, dQ इज इक्वल टू आ जाएगा du प्लस dW के, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हियर एयर इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे एयर हमारा हीट होता है तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हम वर्क डन निकालेंगे, तो हम यहाँ से जानते हैं dW इज इक्वल टू pdV होगा, वैल्यू होती है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है डीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पी इंटू 0 या वैल्यू 0 आ जाएगी, डीडब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, 10 इस फार्मूले का आधार dQ इक्वल टू हो जाएगा du के, या du बराबर हम लिख सकते हैं dQ के, इंप्लाइज दैट क्वेश्चन हमको दिया गया du इक्वल टू आ जाएगा 150 कैलोरी, यानी टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी 150 कैलोरी होगी 15 ग्राम एयर के लिए, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी 150 कैलोरी होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम ऑफ एयर इज गिवन बाय डीयू बाय 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 150 by 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 कैलोरी पर ग्राम, यानी प्रति ग्राम के लिए जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, जो चेंजिंग होगी वो होगी 10 कैलोरी की, यानी प्रति ग्राम जो इंटरनल एनर्जी उसकी बदलेगी वो 10 कैलोरी से बदलेगी, तो पर ग्राम के लिए 10 कैलोरी होगी, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए हमको उम्मीद है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पीछे हमने आपको स्पेसिफिक हीट के रिलेशन में बताया, ये हमने आपको इंटरनल एनर्जी निकाल के दिखाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम अभी आपको बताते हैं, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 0.091 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आगे हमको दिया गया, यहाँ देखिए स्टेट्स में चेंजिंग हो रही है,
क्यों? क्योंकि वाटर हमारा फ्रीज्ड होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आइस में, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो हमने आपको बताया कि जब चेंज ऑफ स्टेट कंसीडर होगा तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो हमको किसमें मेजर में होगी? लेटेंट हीट में। तो आगे हमको क्वेश्चन में दिया गया, गिवन लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू हमको दिया गया है 80 कैलोरी, यानी 80 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमेशा न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन समझिए, आसानी से उत्तर आपके सामने आएगा। क्वेश्चन बता देता है कि मुझको इस प्रकार से आप हल करेंगे तो हम आपको उत्तर दे देंगे। ठीक है, देखिए कैसे। एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 0.091 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवेन लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम, ये हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले हीट की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी हीट हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हीट गिवेन बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर विथ व्हेन इट फ्रीजेज इनटू आइस, यानी हम सबसे पहले ये वैल्यू निकालेंगे कि कितनी हीट हमारी सप्लाई करेगा कौन, वाटर बाहर निकालेगा, रिमूव करेगा। इसलिए यहां लिख रहा है कि हीट गिवेन बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितनी हीट को रिमूव करेगा, कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि वो वाटर क्या है, वाटर फ्रीज्ड हो जाएगा, आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी हीट को रिमूव करेगा इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक, तो जब हमने आपको बताया कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सब्सटेंस यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, हम यहां से कंसिडर करते हैं इसकी वैल्यू के लिए, हमने बताया कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को दी गई ऊष्मा, जिस ऊष्मा के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, वह ऊष्मा की मात्रा हमारी गुप्त ऊष्मा कही जाती है। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला हमको मिलता है m इंटू एल के बराबर, जहां m हमारा क्या है, m को वन मान लें तो हम कह सकते हैं एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी गुप्त ऊष्मा कही जाएगी। तो पदार्थ हमारा कन्वर्ट किसमें हो रहा है, वाटर से आइस में, यानी हीट हमारी क्या होगी, रिमूव होगी, यानी कि वाटर के द्वारा हीट हमारी क्या होगी, रिमूव की जाएगी। हीट को बाहर निकालेगा वाटर, जब हीट को बाहर निकालेगा तभी वो आइस में कन्वर्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे वाटर हमारा क्या होगा, ठंडा होगा, फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं हीट गिवन बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि वहां दिखा गया व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 0.091 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जब वाटर हमारा फ्रीज, यानी कहने का मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है, 0.091 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम उस ऊष्मा की मात्रा को निकाल लेंगे जिस ऊष्मा की मात्रा के रिमूव होने के कारण वाटर हमारा फ्रीज यानी आइस में कन्वर्ट होता है और वॉल्यूम में हमारा हमारी चेंजिंग होती है, वॉल्यूम चेंज होती है। उस ऊष्मा की मात्रा को सबसे पहले हम उस अमाउंट ऑफ हीट को निकालेंगे जिस हीट के कारण वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज कर, यानी वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होता है और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है, यानी कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है 0.091 सेंटीमीटर क्यूब से। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम उस ऊष्मा की मात्रा को निकालेंगे जिस ऊष्मा की मात्रा के रिमूव होने के कारण, जिस ऊष्मा की मात्रा को वाटर देने के कारण वो फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है। तो हमने यहाँ लिखा हीट गिवन बाई 1 ग्राम ऑफ वाटर इट व्हेन इट फ्रीजेज इनटू आइस, यानी जब वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होता है, फ्रीज्ड होता है, तो 1 ग्राम वाटर के द्वारा कितनी ऊष्मा दी जाती है, क्यू बराबर हो जाएगी वैल्यू के, हमने कहा वह अमाउंट ऑफ हीट उसके गुप्त ऊष्मा के बराबर होगी एकांक द्रव्यमान के लिए, तो क्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू एल के बराबर। एम इंटू एल होगा, फार्मूला हम जानते हैं, लेटेंट हीट और हीट में रिलेशन जानते हैं, क्यू बराबर होता है एम इंटू एल, जहाँ क्यू हमारा अमाउंट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम या फ्रॉम द सब्सटेंस, एम इज द मास ऑफ सब्सटेंस एंड एल इज द लेटेंट हीट। ठीक, तो यहाँ हमको दिया गया गिवन लेटेंट हीट ऑफ आइस, हमको दिया गया लेटेंट हीट, हमको उस कंडीशन मिलेगी जिस कंडीशन में हमारा जैसे वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपर हमको कंसीडर होगी, या वेपर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड हमको मिलेगी, लेटेंट हीट ऑफ वाटर मिलेगा, वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ आइस मिलेगा, और आइस हमारा अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर हमको कंसीडर होगा। समझ में आया कि नहीं? जिस स्टेट में चेंज हो जाएगा उसी की लेटेंट हीट हमको मिलेगी। तो यहाँ हमको वाटर चेंज किस में हो रहा है, आइस में, तो लेटेंट हीट हमको आइस की मिलेगी, क्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू एल के, एम की वैल्यू होगी 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 हो गया, इंटू एल की वैल्यू होगी 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 हो गया, 80 कैलोरी हो गया। कैलोरी को जब हम जूल में चेंज करेंगे तो जूल में चेंज करने के लिए हम जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल के,
हमने पीछे आपको बताया 30 कैलोरी को जब आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू हो जाएगा वो 4.18 का से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल इंप्लाइज दैट हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं 80 कैलोरी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 4.18 को हम 4.2 कंसीडर कर सकते हैं, 4.2 जूल मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू हमको मिलेगी 336 जूल। ये हीट हमको यानी सिस्टम क्या होगा, सब्सटेंस जो हमारा वाटर है इतनी हीट जब रिमूव करेगा, इतनी हीट बाहर निकालेगा, तब वो क्या होगा वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वर्क डन कितना हमको प्राप्त होगा ये हम निकालते हैं यहाँ से। हम लिखेंगे 10 द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एटमोसफियर वेन वाटर, हम कह सकते हैं वेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 0.091 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जो कार्य हमको एक्सटर्नल वर्क डन वाय कार्य हमको प्राप्त होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जब इतना हीट वो बाहर निकालेगा तो क्या होगा वाटर हमारा क्या होगा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन हमको मिलेगा, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन हमको प्राप्त होगा उसके वॉल्यूम के इंक्रीज करने के कारण वो हम निकाल लेंगे आसानी से। और वो वर्क डन हमको प्राप्त किसके कारण होगा, प्रेशर के अगेंस्ट प्राप्त होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट प्राप्त होगा। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, लिखेंगे यहाँ से 10 Now, the external work done, क्योंकि जब तक हमको work done नहीं find होगा हम change in internal energy नहीं निकाल पाएंगे, और work done इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे volume increase कर रहा है, इसका मतलब है कि atmosphere के against volume increase कर रहा है, इसका मतलब है कि हमको work done यहाँ find होगा। तो work done कितना मिलेगा हम यहाँ लिखते हैं, the external work done against the atmosphere now the external work done against the atmosphere when the volume is increased by 0.091 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज करके लिखेंगे इंप्लाइज दैट हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा पी इंटू डी वी के, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी वी के, या इंप्लाइज दैट पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू दिया गया नॉर्मल प्रेशर 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी वी की वैल्यू दिया गया है 0.091 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वैल्यू हमको मिलेगी 0.092183 डी डब्ल्यू की वैल्यू हमको मिलेगी इंटू, ये देखिए 0.091 है सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर में जब इसको कंसीडर करेंगे आप तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हम देखें यहाँ से 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10^-2 मीटर के, जब इसका क्यूब करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 10^-2 का क्यूब करेंगे इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा ये, तो क्यूब जब करेंगे तो 10^-6 मीटर क्यूब आएगा, क्या हो जाएगा इंटू 10^-6 मीटर क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, जब मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन मिलेगा, तो देखिए हमने हीट को जूल में कंसीडर किया तो इसको भी हम जूल में कंसीडर कर लेंगे या नियरली इक्वल इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिए 10^-6 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम 10^-6 करेंगे तो ये देखिए वैल्यू आएगी 0.921183 आएगा, ठीक है 0.0 हमने यहाँ कंसीडर किया 0.092183 आएगा, ठीक ना 183 आएगा। अब यहाँ से 10^-1 होगा इंटू 10^-1 करेंगे 10 का भाग कर देंगे तो एक अंक दशमलव और इधर आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.009183 है तो इसको 93 कंसीडर कर लेंगे 0.0093 जूल आ जाएगा। ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन हमको फाइंड हो जाएगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और जब वर्क डन मिल जाएगा तो हम आसानी से
चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 10^-6 कैसे करेंगे, ये हमने आपको बताया 10^-6 कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 cm इक्वल टू होता है 10^-2 m, इम्प्लाइज दैट 1 cm³ इज इक्वल टू हो जाएगा 10^-2 का होल क्यूब इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा, वो या 1 cm³ इज इक्वल टू हो जाएगा 10^-6 m³। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे, तो वर्क डन हमको मिल जाएगा, यहाँ से वर्क डन मिल गया DW=0.0093 जूल हो गया। अब हम आसानी से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवेन बाय, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ, तो हम फर्स्ट लॉ से जानते हैं dQ इक्वल टू होता है dU + dW, या इम्प्लाइज दैट dU इज इक्वल टू हो जाएगा dQ - dW, या इम्प्लाइज दैट dU इज इक्वल टू होगा, dQ की वैल्यू यहाँ हमने निकाली हुई है 336 - 0.0093, या dU इज इक्वल टू 336 में से 336 में से घटा देंगे यहाँ से Q - W है, तो dQ - W होगा, तो वैल्यू यहाँ से घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए dQ - dW होगा फॉर हियर dQ। क्या यहाँ हमने क्या किया है, हमने आपको बताया है कि जब हीट रिसीव की जाती है सिस्टम के द्वारा, हीट रिसीव की जाएगी, हीट ऐड होगी, तो हमेशा हीट को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वाटर हीट को रिमूव करता है, बाहर देता है, हीट को बाहर सप्लाई करता है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट सप्लाई होती है, जब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट सप्लाई होगी तो हीट गेन करेगी, हीट जब रिसीव होगी तो पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ वाटर हीट को रिमूव करता है, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट को देता है, सिस्टम को से सराउंडिंग में हीट को सप्लाई करता है, यानी वाटर हीट को बाहर निकालता है, तो हीट क्या है, रिजेक्ट की जाती है, रिमूव की जाती है सिस्टम के द्वारा, आउट की जाती है, इसलिए यहाँ पे हीट को हम निगेटिव क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, तो -336 हो जाएगा, -0.093, दोनों माइनस क्वांटिटीज हैं, ऐड हो जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी 336 336.0093 जूल, यही वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगा आंसर आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस इन इट्स आइस, यानी जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जब 1 ग्राम वाटर हमारा फ्रीज्ड होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है 0.091 cm³ से। तो आगे कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तब आप इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन ज्ञात करिए। ठीक, गिवन द लेटेंट हीट हमको दिया गया है ऑफ आइस, आइस की लेटेंट हीट दी गई है, तो हम जानते हैं कि जब सिस्टम हमारा, यानी जो हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड से जब आइस में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है आइस यानी वाटर क्या होगा, फ्रीज्ड होगा, जब वाटर फ्रीज होगा तो हीट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो कितनी हीट रिमूव करेगा वो हमको कहाँ मिलेगी, जितनी हीट रिमूव करने के कारण वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है वही हीट हमारी उसकी लेटेंट हीट कही जाएगी, तो लेटेंट हीट के फार्मूले से हमको हीट मिल जाएगी। तो हमने लिखा हीट गिवन बाई 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेज इनटू आइस, ठीक ना, तो ये हमको लेटेंट हीट के फार्मूले से मिलेगा, क्यू इक्वल टू मान लेते क्यू अमाउंट ऑफ हीट m ग्राम वाटर रिमूव करता है, तब वो क्या होता है, वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है, तो q इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एल के, वेयर q प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m के, इम्प्लाइज द q इक्वल टू लिखेंगे m इंटू एल आएगा, ये लेटेंट हीट हमको मिल जाएगी यहाँ से। तो हम फार्मूला जानते हैं लेटेंट हीट का, q इक्वल टू होता है m इंटू एल के, तो कितनी हीट रिमूव करेगा, इसको निकालने के लिए हम मास निकालेंगे, पहले मास हमको पता है 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1 लिखा, लेटेंट हीट हमको दिया गया है आइस का, आइस का लेटेंट हीट 80 कैलोरी है, क्योंकि वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होता है, 80 कैलोरी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 80 कैलोरी, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ से निकाल लेंगे, 80 कैलोरी कन्वर्ट करेंगे, 80 × 2 हो जाएगा 4.18 को हम नियरली इक्वल 4.2 के मानेंगे, और वैल्यू आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू 336 जूल के। नाउ जब हमको अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी, कितनी हीट रिमूव होगी कि वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे। नाउ द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फियर
व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 0.091 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जब 0.091 सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम इंक्रीज करता है अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर वायुमंडलिक यानी कि नॉर्मल प्रेशर के अगेंस्ट, तो वर्क डन हमको कितना मिलेगा, dW = मिलता है pW के, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है वो है 1.013 into 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर into वॉल्यूम इंक्रीज करता है 0.091 सेंटीमीटर क्यूब से, तो सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी into 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू हमको मिलेगी 0.092183 जूल, इंटू 10^-1 होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.009283 को नियरली इक्वल 0.003 के मान लेंगे, यहाँ 2 को 3 मान लेंगे, 93 हो जाएगा जूल के। अब ये हमको वर्क डन मिलेगा, इस वर्क डन के आधार पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय dQ = हो जाएगा dU + dW के, एम्प्लाइज दैट dU = होगा dQ - dW के, dQ की वैल्यू को माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ से हीट रिमूव हो रही है, हीट सिस्टम से बाहर आ रही है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हीट को नेगेटिव लेंगे, -336 हो जाएगा, -0.093 जूल ये वर्क डन हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, माइनस साइन है दोनों ऐड हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी -336.0093 जूल। ये वर्क डन हमको फाइंड होगा, कब फाइंड होगा, जब यानी कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको प्राप्त होगी जब 1 ग्राम वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होगा, तो इतना हमको इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन कितने मिलेंगे, -336.0093 जूल का आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्राप्त होगा, यानी इतनी आंतरिक ऊर्जा हमारी डिक्रीज करेगी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके आधार पर हम निकालेंगे। हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमको ये जानना है, हम ये जानते हैं कि जब वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है वाटर हीट को रिमूव करेगा, यानी कि वाटर की हीट जब कम होगी तभी वो आइस में कन्वर्ट होगा, ये हम जानते हैं। अगर यहाँ होता कि वाटर इस बॉयल्ड एंड कन्वर्टेड इंटू वेपर, तो यहाँ हम कंसीडर करते वेपर में कन्वर्ट होता, तो वेपर में जब कन्वर्ट होता तो यहाँ स्टेट्स वहाँ भी चेंज होता, तो हम जानते हैं कि वाटर वेपर में कन्वर्ट तब होगा जब वो हीट को ऐड करेगा, यानी हीट इज, तभी हम यहाँ हीट गिवन नहीं लिखते, हीट टेकन बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेज, जहाँ हमने लिखा है व्हेन इट बॉयल्ड एंड कन्वर्टेड इंटू वेपर, ये हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ फ्रीज्ड है इसलिए हम जानते हैं कि हीट क्या होगी, रिमूव होगी, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिमूव होगी वो हम आसानी से लेटेंट हीट के फार्मूले से, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ स्टेट है, हीट रिमूव होने के कारण स्टेट्स में चेंजिंग हो रही है, तो जहाँ स्टेट्स में चेंजिंग होती है तो ऊष्मा की मात्रा को लेटेंट हीट में कंसिडर करते हैं, इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट हमको मिल जाएगी। इसके बाद हम एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो वर्क डन हमको फाइंड होगा, हम यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे। जब वर्क डन निकालेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी 0.0093 जूल के, और इस वर्क डन के आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लॉ, हम जानते हैं dQ = dU + dW होता है, dU = dQ - dW होगा, dQ यानी वही अमाउंट ऑफ हीट जिसके कारण वाटर, जिसके रिमूव होने के कारण वाटर हमारा फ्रीज होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो वो हो गई -336 कैलोरी, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि वाटर हीट को रिमूव करता है, हीट को रिसीव नहीं करता है, रिमूव करता है, बाहर निकालता है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ हीट को, अमाउंट ऑफ हीट को हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। इस प्रकार से हमने आपको पिछले वीडियो में स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में बताया था, क्यों हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं, सारे कारण हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, इसके बाद उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कराया, 3 न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हमने आपको यहाँ पे बताया है। इस प्रकार से एग्जाम में स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड या वर्क डन से रिलेटेड, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम ये न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हमने आपको जो बताया, इसके साथ ही आपका ये स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकली प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसी के आधार पे हमारा न्यूमेरिकली प्रॉब्लम समाप्त होता है, और इसी के आधार यानी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो हमने आपको बताया वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या इंटरनल एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आप आसानी, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको 3 न्यूमेरिकल बताए। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से, केवल न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में इतना आपको करना है, केवल क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है और ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में
कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सी वैल्यू को पूछ रहा है। तो आप एक से दो बार अगर क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे और क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और किस फार्मूले का इम्प्लीकेशन यहाँ करना है वो फार्मूला आप आसानी से इम्प्लीमेंट में लेंगे और आसानी से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जितने भी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज में हैं वो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं और भी आगे जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाते जाएंगे उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है वो हम आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।